नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो आए दिन जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है इस वक्त, क्योंकि राज्य सरकार ने जो फैसला लिया कि 6 मई तक 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अवधि बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की, और बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो है जो रात का जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू वो अभी वैसे ही वैसा चलता चलता रहेगा जैसे कि आज तक चल रहा था, लेकिन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉकडाउन जो है बहुत सख्ती से इस वक्त पालन करने की जरूरत है। और वहीं मैं आपको बता दूँ कि अगर आज की लिस्ट की बात करें तो आज जो लिस्ट आई है बहुत ही चिंताजनक लिस्ट आई है, क्योंकि आए दिन केसेज जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की अगर आज बात करें तो 3832 केस जो है पॉजिटिव केस जो है जम्मू कश्मीर यूपी के हैं, और वहीं पर जो कश्मीर के हैं, कश्मीर की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल मैं पहले फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बता दूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में 52 केसेस हैं, रामबन में 60 केसेस हैं, पुंछ में 64 केसेस हैं, किश्तवाड़ में 15 केसेस हैं, सांबा में 137 केसेस हैं, कठुआ में 120 केसेस हैं, डोडा में 42 केसेस हैं, रजौरी में 96 केसेस मतलब कि 96 केसेस हैं, उधमपुर में 141 केसेस हैं, और जम्मू में 504 केस। कहीं ना कहीं जो 500 का आंकड़ा है आज जम्मू कश्मीर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है पार कर चुके हैं। और रजौरी की अगर बात करें तो रजौरी में भी उतार चढ़ाव चल रहा है, और ख़ासकर अगर मैं अपने चैनल की बात करो तो रजौरी बेस्ड होने की वजह से मैं आपको बता दूँ रोज रजौरी के लोगों को हाथ जोड़कर विनती है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हाथ जोड़कर विनती है, घरों से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी काम हो। अमूमन तो हम जम्मू कश्मीर के पूरे व्यूवर्स को हम यही कहते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, ये महामारी किसी का भी लिहाज नहीं करी। और मैं आज के अगर डेथ टोल की बात करूँ और कश्मीर के केसेस की अगर बात करूँ तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आज 3832 जो केसेस हैं उसमें जो जम्मू के अगर बात करूँ तो 1231 जम्मू रीजन के हैं, और उसके बाद जो है 2601 केसेस जो है कश्मीर रीजन के हैं, और वहीं पर जो डेथ है आज डेथ टोल बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि पॉजिटिव केसेस की वजह से जो डेथें हो रही हैं उसकी आज जो टोल है डेथ टोल है वो है 47, टोटल 47 डेथ्स जो है जम्मू ड्यूटी में हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा डेथ अगर की बात करें तो जम्मू रीजन में 30 डेथें जम्मू रीजन में हो चुकी हैं, और उसके बाद 17 जो डेथ्स हैं वो कश्मीर में। कहीं ना कहीं जम्मू रीजन के लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि क्या वजह है कि जम्मू में ये आए दिन बढ़ोतरी की ओर जा रहा है, और डेथ टोल जो है जम्मू से बहुत ज़्यादा निकल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं लापरवाही की जा रही है, क्योंकि आज बत्रा की अगर बात करें तो वहाँ पे 4 डेथें हो चुकी हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते, और अभी हालांकि प्रशासन वहाँ का जो प्रशासन है नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि 2 डेथें जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण 2 डेथें ऐसी हैं, लेकिन फिर भी जो 4 डेथें जो एक बत्रा हॉस्पिटल जहाँ पे कि पैसा दे के लोग अपना इलाज करवाते हैं, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स की जो लापरवाही सामने आ रही है देखने को मिल रही है। और लेकिन अगर हॉस्पिटल तक ना पहुँचा जाए, अपने घरों में रह के अगर सेफ रहा जाए तो सबसे बढ़िया होता है, और माँ बाप को यही कहेंगे कि घरों में रहें और सेफ रहें। और इसी वजह से जो है LG सरकार ने आज एक बहुत कड़ा फैसला लिया है कि 6 मई तक जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। अनिल गुप्ता, जम्मू।